अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये वॉइस क्वालिटी आपकी चेक करवा दूं, जो मेरा पॉडकास्टिंग सेटअप है। सबर, अभी आपको आवाज़ बहुत गूंज रही होगी, तो ये गूंज को ख़त्म करने के लिए मैंने पॉडकास्टिंग सेटअप लिया है। ये वाला मेरे रेगुलर पॉडकास्ट आ रहे हैं। लास्ट पॉडकास्ट शायद आपने देखा हो, जो मेंस प्रो के साथ आया था, उसका पार्ट टू भी आने वाला है। मैं एडिट करूँगा, डालूंगा, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट सी वीडियो थी, एक शॉर्ट सा पैगाम था, जो कि बताता हूँ। सबर करो। Ein Mann, der sagt, glaub mir, halte meine Augen offen wie ein Raubtier, kämpfe mich durch mein Kokon wie ein Schmetterling. Damals Dreck an meiner Hand, heute fetter Ring. Damals gab es Upturn, heute Turn up. ये ले जी, पॉडकास्टिंग माइक सेट हो गया मेरा। आई होप अब आवाज क्लियर आ रही हो और ज्यादा इको भी ना आ रही हो। यार ये पॉडकास्ट नहीं है, छोटा सा व्लॉग है, जिसमें हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। कल मैं कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दे रहा था, एक एनडी से बॉय था उनको, जो कि डाटा एनालिस्ट थे। तो उनके साथ मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हुई। वो मुझे कहते हैं कि भाई मैं डाटा साइंटिस्ट इंजीनियर हूँ, अभी अभी मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मुझे एक मसला आ रहा है छोटा सा। मैंने कहा भाई पहले तो मुबारक हो, आपकी जॉब स्टार्ट हो गई है, अब बताइए कि क्या मसला आ रहा है। तो बॉय कहते हैं कि जी मुझे मसला आ रहा है कि हमका चाहिए इज्जत, और इज्जत मुझे मिल नहीं रही। तो खैर मैंने उन्हें समझाया कि भैया देखो, एक तो आप इंजीनियर हो और पाकिस्तान में इंजीनियर की घर में कोई इज्जत नहीं करता, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बाहर आपको इज्जत चाहिए। उसके पीछे अब एक दो रीजन थे जो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किए कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो यार पहला रीजन तो ये है कि पाकिस्तान में इज्जत उस बंदे की है जिसके पास पैसा हो। अब इंजीनियर के पास घंटा पैसा होता है 42 से, बट नहीं होता है। इसकी जॉब लग भी जाए 30-40 हज़ार की स्टार्टिंग होती है, वो भी बड़ी अच्छी स्टार्टिंग होगी। बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्टिंग दे रही होती है कि भैया 30-40 हज़ार आपको दे रहे हैं, और आप खुशी खुशी वहां पे जाते हो कि भाई मेरी जॉब लगी, 40 हज़ार कमाऊंगा। और आजकल के जमाने में 40 हज़ार में कुछ हो नहीं रहा, अनफॉर्चुनेटली। तो 40 हज़ार में आप नौकरी कर करके 2-3 साल बाद एक मेहरान ले लोगे, ठीक है। अब पाकिस्तान में मेहरान वाले की और पाकिस्तान में पराठों वाले की कितनी इज्जत है, आप खुद ही हिसाब किताब लगा लें। दूसरी चीज, पाकिस्तान में और इज्जत चाहिए तो दो चीजों का होना थोड़ा सा जरूरी है। पहली चीज पैसा, जो इंजीनियर के पास है नहीं, और दूसरी चीज पावर। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए इंजीनियर बनके थोड़ा इज्जत की डिमांड कर रहे हो, तो भाई आपकी इज्जत गई तेल लेने। लेकिन बॉय को बड़ी अच्छी बात समझ आ गई, तो बॉय कहता है भाई मैं क्या करूं। तो मैंने कहा बॉय 1 करोड़ प्लाट में इन्वेस्ट करो, 2 करोड़ का साल बाद बेच, जितना तुम इंजीनियरिंग करके 5 सालों में कमाओगे उतना तुम्हारा एक जैकपॉट लगा, तो तुम भाई 5 साल बैठ के खाओगे। खैर थोड़ा सा फ्लॉप आइडिया होगा उनके लिए जिनके पास 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि हमारे पास 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो सीधी सी बात है 1 करोड़ तो फिर दूर की बात है। इसीलिए अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। खैर ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू था इज्जत के हवाले से। अगर आप इंजीनियर हैं और इज्जत मांग रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो आई वुड से कि गलती आपकी है, गलती सिस्टम की नहीं, गलती हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की नहीं। Signing out. Peace.